अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सभी फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं कि पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज सैम अयूब ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले T20 मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। इसके बारे में मुकम्मल अपडेट देंगे कि उन्होंने कितनी बालों पर कितने रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रन रेट क्या रहा है, कितने चौके लगाए हैं, कितने छक्के लगाए हैं, और पाकिस्तान ने ये पहला T20 मैच कितने रन से जीता है और किस खिलाड़ी की अच्छी परफॉर्मेंस है, मुकम्मल अपडेट देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान टीम ने शानदार तरीके से जो है वो 80 रन से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए जो है वो 8 विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए हैं, जिसमें सैम अयूब की बहुत ही हमें शानदार बैटिंग देखने को मिली है। यंग प्लेयर हैं, उन्होंने 44 गेंदों पर 93 रन की शानदार इनिंग खेली है, जिसमें 8 छक्के और 5 चौके शामिल थे। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की है सैम अयूब ने और उन्होंने साबित किया है कि वो एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज हैं। और इसके बाद कप्तान बाबर आजम की शानदार बैटिंग हमें देखने को मिली है, 45 उन्होंने भी बनाए, मोहम्मद जमान 40 बनाए, फखर जमान 30 रन बनाए। इसी तरह पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ये मैच 80 रन से जीत लिया। और पाकिस्तान के बॉलर ने भी काफ़ी शानदार बॉलिंग की है, जिनमें हम आपको बता रहे हैं कि नसीम शाह ने 3 विकेट हासिल किए हैं, 4 ओवर में 22 रन देकर बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की है नसीम शाह ने। और पाकिस्तान टीम ने पहला T20 मैच अपने नाम कर लिया है आयरलैंड के ख़िलाफ़।